तो दोस्तों फाइनली आपका सिविल सर्विस यानी कि आईएएस आईपीएस के लिए जो इतने भी लोग आप लोग अप्लाई किए थे यूपीएससी सिविल सर्विस द्वारा, जो आपका मेन एग्ज़ाम होगा उसके लिए लिस्ट निकाल दिया है कि कितने लोग मेंस में बैठेंगे और कितने लोग प्रीलिम्स में क्वालिफाई किए हैं। तो देखिए प्रेस इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार द्वारा जो प्रेस जारी किया गया है यूपीएससी द्वारा, यह उसमें कितने लोगों को सिलेक्टेड मिला है। तो यूपीएससी ने इस बार प्रत्येक बार मतलब जितना वैकेंसी होता है उससे 9 से 10 गुना यानी कि 9,000 से 10,000 के बीच कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है। तो इस बार जो है कुल 9,000 कैंडिडेट को सिलेक्ट की है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि कितने लोगों ने प्रीलिम्स को क्वालिफाई करके यानी कि प्रारंभिक परीक्षा को पास करके आप मेंस परीक्षा देने के योग्य हुए हैं। तो इसमें पहला नाम देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे टोटल यहाँ पे आपका सीरियल नंबर दिया है, फिर आपका रोल नंबर दिया है, देन आपका नेम दिया है यानी कि नाम। तो आप अपना चुन लें। टोटल यहाँ पे 325 पेज का यह पीडीएफ है। इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। टोटल यहाँ पे देख लीजिए कितने कैंडिडेट ने सेलेक्ट हुए हैं। तो यह जो सिलेक्शन करती है कि कितने लोग प्रीलिम्स के बाद मेंस देंगे, तो यह कुछ इस प्रकार होता है कि मान लीजिए 1,000 वैकेंसी है तो इसका 10 गुना या 9 गुना, 9 से 10 गुना ही लेती है, किसी बार 9 गुना किसी बार 10 गुना। तो अगर 1,000 वैकेंसी है तो 9,000 कैंडिडेट को यूपीएससी सेलेक्ट करेगी मेंस के लिए, ठीक। उसके बाद मेंस के बाद फिर प्रीलिम्स में आपका 3 गुना कर देती है यानी कि 900 वैकेंसी है तो वहाँ पर 2,700 लोगों को लेगी, अगर 1,000 वैकेंसी है तो 3,000 लोगों को लेगी आपका इंटरव्यू के टाइम, और फाइनल मेरिट लिस्ट में जितने सीट होते थे उतने ही निकाल देती है, ठीक ना। तो ये देखिए यहाँ पे टोटल मैं आपको फाइनल ले जाता हूँ कितने लोगों को सिलेक्ट मिला है। तो ये आईएएस आईपीएस के लिए है, इंडियन सिविल सर्विस के लिए है। इसी तरह आपका आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी लिस्ट आ चुका है, उसको भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो में पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूँगा, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। और जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ उन तक इस प्रकार के हमारे जो चैनल होते हैं उनको भेज दीजिए ताकि उन्हें भी समय समय पर सभी की जानकारी मिल सके। तो यहाँ पे टोटल हम देख लेते हैं कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, ठीक। तो इस बार जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं इनकी संख्या है 9,234 या 9,232 है, ये देख लीजिए फाइनल आ गया हमारा 322, 23, 24, ये हमारा 325वां पेज है। टोटल 9,214 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है और अंत में सूर्या प्रकाश जी को सिलेक्ट मिला है जो, और ये सूर्या प्रकाश जी है ना आईएफएस में भी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी एंड लेवल पे ही आए हैं, लास्ट में ही आए हैं, दोनों में आईएएस वाला में भी लास्ट में आए हैं और आपके आईएफएस वाला में भी यही लास्ट में हैं। तो इनका बहुत लक मानिए कि दोनों में सेलेक्ट हो गए हैं और लास्ट नंबर पर सेलेक्ट हो गए। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। पढ़िए, अपने हक के लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश को भी आगे बढ़ाइए। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।